नमस्कार दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच में जबरदस्त मैच चल रहा है और भारत अब 152 रन दूर है इंग्लैंड से जीतने के लिए। मगर आज जिस तरह की पारी ध्रुव रॉयल ने खेली है उसका अंदाजा किसी को नहीं था। उसके बाद जब ध्रुव रॉयल ने जो पारी खेली उसके बाद जैसे सलूट मार के उन्होंने सबका दिल जीता, उससे पता लग गया कि ध्रुव रॉयल आगे आने वाले दिनों में बहुत बड़े खिलाड़ी बन सकते हैं और इन्हें तो महेंद्र धोनी से भी कंपेयर किया जा रहा है। दोस्तों आज के बारे में बात करेंगे और आज के खेल के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन अगर आप इस चैनल में नए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों आपको पता है कि इंडिया वर्सेज इंग्लैंड में 5 टेस्ट की सीरीज चल रही है, उसका चौथा मुकाबला आज रांची में खेला जा रहा था और इस मैच में टीम इंडिया के विकेट कीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल ने अपना पहला अर्धशतक जड़ दिया। राजकोट टेस्ट में वे अर्धशतक के करीब जरूर पहुंचे थे मगर 50 रन का आंकड़ा नहीं छूट पाए थे। रांची में जैसे ही उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की तो उन्होंने इसका जश्न बेहद ही निराले अंदाज से मनाया। जुरेल अपने मेडन अर्धशतक जड़ने के लिए सलूट मारते हुए नजर आए थे। आइए जानते हैं इसके पीछे क्या कारण है। दोस्तों इसके पीछे एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है, आज के बारे में पूरी हिस्ट्री के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। ध्रुव जुरेल इस जश्न के पीछे का कारण उनके पिता हैं। जुरेल के पिता नेम सिंह भारतीय सेना में थे, वे हवलदार पद से रिटायर हुए थे और हाल ही में वो रिटायर भी हुए थे। वे कारगिल वार में भी हिस्सा रहे थे और नेम सिंह चाहते थे कि उनका बेटा एक दिन फौज में जा कर के देश की सेवा करे, मगर ध्रुव जुरेल ने क्रिकेट को चुना और आज हमें जो है भारतीय क्रिकेट टीम को एक ऐसा नौजवान हासिल हुआ है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती और इसको तो धोनी महेंद्र सिंह धोनी से कंपेयर किया जा रहा है। बात मुकाबले की करें तो ध्रुव जुरेल ने पहले यशस्वी जायसवाल ने भी अर्धशतक जड़ते हुए 73 रनों की शानदार पारी खेली थी। इन दो युवा खिलाड़ियों की बदौलत भारत इंग्लैंड के स्कोर के नज़दीक बहुत नज़दीक पहुँच चुका है। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए जो रूट के नाबाद शतक के दम पर 353 रन का बोर्ड लगाया था, एक तरह से स्कोर लगाया था। एक समय ऐसा था जब आधी इंग्लिश टीम 112 के स्कोर पर पूरी तरह से पवेलियन लौट गई थी, तब रूट ने बेनफेक्स और अल्बिनसन के साथ मिलकर के शत की साझेदारी कर अपनी टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया और उसी को लेकर भारतीय टीम में भी एक तरह से बहुत ही चिंता बन गई थी कि कैसे इस बड़े टारगेट को अचीव किया जाएगा। मगर ध्रुव रॉयल और अन्य प्लेयर ने मिलकर के इसको पूरी तरह से निस्तनाबूद कर दिया है और आने वाले दिनों में शायद जो कल मैच होने जा रहा है जो कि इस चौथे मैच का आखिरी दिन होगा, वहाँ पर निर्णायक भूमिका ये दो प्लेयर बहुत अच्छी तरीके से निभाने वाले हैं। तो इसका इंतजार अब देशवासियों को होगा और भारत अगर इस मैच को जीत लेता है तो इसका परिणाम ये होगा कि भारत इस पूरी सीरीज को जीत लेगा और ये दिखाता है कि भारतीय टीम जो है बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्म में है और आने वाले दिनों में IPL में बहुत ही उम्दा प्रदर्शन करने वाली है। उसके बाद T20 वर्ल्ड कप होने वाले हैं, उससे दिखाता है कि भारतीय टीम फॉर्म में तो है ही और साथ साथ इसका खामियाजा जो है अन्य टीमों को भुगतना पड़ सकता है। दोस्तों और भी खबरों के लिए बने रहें।